हिंदुस्तान की सरकार को सेक्रेटरीज और कैबिनेट सेक्रेटरी चलाते हैं। इस बात से आप सहमत हैं? सहमत हैं? कोई भी योजना बनती है जो 90 सेक्रेटरीज हैं हिंदुस्तान की सरकार के हर मिनिस्ट्री में, वो योजना को डिजाइन करते हैं, कितना पैसा कहां जाएगा वो डिसाइड करते हैं। तो मैंने देखा, मैंने चेक किया कि भैया इन 90 लोगों में से नरेंद्र मोदी जी की सरकार में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं। आप हिल जाओगे, 90 लोगों में से सिर्फ 3 लोग ओबीसी समाज के हैं और वो 3 लोग हिंदुस्तान का सिर्फ 5% बजट कंट्रोल करते हैं। भाइयों और बहनों, क्या हिंदुस्तान में सिर्फ 5% ओबीसी है? यह सबसे बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब सिर्फ कास्ट सेंसस से मिल सकता है। किसी को चोट लगती है, अस्पताल में जाता है, सबसे पहले एक्सरे होता है, पैर में चोट लगती है, डॉक्टर एक्सरे करवाता है, कहता है भैया देखते हैं क्या हुआ है, कैसी चोट लगी है, पैर टूटा है या नहीं टूटा है। भाई और बहनों, कास्ट सेंसस हिंदुस्तान का एक्सरे है। इससे पूरे देश को पता लग जाएगा कि ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं, जनरल कास्ट के लोग कितने हैं। और एक बार ये डेटा हिंदुस्तान की जनता के हाथ में होगा तो फिर देश सब लोगों को लेकर, सब लोगों को भागीदारी देकर आगे चल पाएगा। अब मैंने ये सवाल लोकसभा में पूछा, नरेंद्र मोदी जी से पूछा कि आप कास्ट सेंसस से डरते क्यों हो? कास्ट सेंसस का डेटा सबके सामने रख दो, जो आपकी सरकार की सच्चाई है आप हिंदुस्तान की जनता को दिखा दो, डरो मत। मगर नहीं, उनके मंत्री कहते हैं हमारे ओबीसी के विधायक हैं, ओबीसी के सांसद हैं और उन्हीं सांसदों से आप लोकसभा में बात करो, वो आपसे कहते हैं कि भैया देखो हमारे से कोई कुछ पूछता नहीं है, हम कुछ बोल नहीं सकते, हमें तो यहां मूर्ति जैसे रखा हुआ है, असली निर्णय हिंदुस्तान के सेक्रेटरी लेते हैं, ब्यूरोक्रेट लेते हैं, नरेंद्र मोदी जी लेते हैं। तो अगर ओबीसी को भागीदारी देनी है, दलितों को, आदिवासियों को, बाकी महिलाओं को भागीदारी देनी है तो कास्ट सेंसस करवाना ही पड़ेगा। और अगर नरेंद्र मोदी जी कास्ट सेंसस नहीं करवाएंगे तो जैसे हमने कहा था यहां पे, जैसे ही हमारी सरकार आएगी पहला कदम कास्ट सेंसस होगा और ओबीसी को जो भागीदारी मिलनी चाहिए वो कांग्रेस पार्टी करके दिखाएगी। आप सब यहां आए, दूर दूर से आए, हमारी बात सुनने आए, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए कांग्रेस पार्टी जहां भी सरकार चलाती है, चाहे वो राजस्थान हो, हिमाचल हो, छत्तीसगढ़ हो, कर्नाटक हो, हम जनता की सरकार चलाते हैं। कर्नाटक में हमने 5 वायदे किए,
ऐतिहासिक वायदे, चुनाव जीतने के एकदम बाद कैबिनेट ने पांचों वायदे पूरे कर दिए।